आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुरुवार को सूची में कुल 18 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी। वहीं बुधवार को निर्मोही अखाड़े की ओर से भी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, जिसमें कोर्ट के फैसले से कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में निर्मोही अखाड़े को रामलला की सेवा और पूजा का अधिकार न होने की बात कही थी। दशकों से जारी राम जन्मभूमि को लेकर विवाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर को बड़ा फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला की मानी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अन्य जगह पर मस्जिद का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार को 5 एकड़ जमीन देने को कहा था। इसके साथ ही केंद्र सरकार से एक न्यास बनाने को कहते हुए मंदिर निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश भी शीर्ष कोर्ट की ओर से दिए गए थे। बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गंगोई, S.A. बोबड़े, D.Y. चंचूड़, अशोक भूषण और S. अब्दुल नजीर शामिल थे। बीते कुछ हफ्तों से मैंने झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया है, वहां का माहौल जाना है, लोगों से बात की है और मैं राजनीति के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पूरे झारखंड में कमल के फूल को लेकर, भाजपा की डबल इंजन सरकार को लेकर अभूतपूर्व उत्साह है, असीम उत्साह है। पहले 2 चरणों में जहां जहां मतदान हुआ है वहां भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व मतदान हुआ है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने प्रशंसनीय काम किया है, नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ करके मतदान किया है, प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण मतदान को सफलतापूर्वक यहां पर करके दिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां अभी मतदान हो रहा है और जहां अगले चरणों में होगा वहां भी भारी मतदान होगा, स्थिर और मजबूत सरकार फिर से बनाने के लिए आपका प्रचंड समर्थन मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को राजमहल में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में तेजी से महंगाई बढ़ रही है, ये पूरे देश को पता है लेकिन पीएम मोदी को नहीं पता, वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। राहुल बोले कि आज सिर्फ 15-20 उद्योगपति खुश हैं, पीएम मोदी 24 घंटे झारखंड का पैसा अमीरों को पकड़ाते हैं, नोटबंदी GST से देश के लोगों का नुकसान हुआ, मोदी ने गरीब लोगों की जेब से पैसा निकालकर अपने दोस्तों को दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज टीवी पर पूरे दिन नरेंद्र मोदी दिखता है लेकिन मैं एक मिनट भी नहीं देखता। आप टीवी देखते हो? देखते हो ना? मुझे एक बात बताओ,
टीवी पे नरेंद्र मोदी कितने घंटे आते हैं? 24 घंटा। हेमंत सोरेन कितने घंटे आते हैं? नहीं दिखाई देते। मैं कितना दिखता हूं? नहीं दिखूंगा। नरेंद्र मोदी 24 घंटे दिखेगा। अच्छा भैया, टीवी किसका है? टीवी किसका है? टीवी उन्हीं उद्योगपतियों का है जिसको नरेंद्र मोदी दिन भर पैसा देता है। हमारा चेहरा टीवी पे क्यों दिखेगा? हम उनके लिए काम थोड़ी करते हैं। हम तो किसानों का काम करते हैं, मजदूरों का काम करते हैं, गरीबों का काम करते हैं। हमारा चेहरा टीवी पे नहीं दिखने वाला भाइयों बहनों। उधर तो बस नरेंद्र मोदी का 24 घंटे दिखेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हीं 10-15 लोगों के लिए काम करता है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस सरकार जमीन अधिग्रहण बिल लेकर आई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध किया था। राहुल ने कहा कि यहां धान का दाम कम है, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर किसानों को पूरा दाम मिल रहा है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया, वैसे ही झारखंड के किसानों का कर्ज माफ होकर रहेगा। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, किसानों का कर्ज माफ होकर रहेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बैंकों से कहा कि वह उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहें। इस मामले में उन्होंने खास तौर से दबाव वाली संपत्तियों के समाधान में समन्वित तरीके से काम करने को कहा। आरबीआई गवर्नर ने ये बात ऐसे समय में कही है जब देश की सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ 6 साल के निचले स्तर पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.5% पर पहुंच गई है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान भी कम करके 5% कर दिया है। हालांकि शशिकांत दास ने इस बात पर भी गौर किया है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आ रहा है और यह मजबूत बना हुआ है। इसके साथ ही शशिकांत दास ने बैंक प्रमुखों के साथ रेपो रेट में की गई कटौती का लाभ आखिर लाभार्थी तक पहुंचाने पर भी विचार विमर्श किया। आर्थिक सुस्ती का हवाला देते हुए इस साल आरबीआई ने 5 बार रेपो रेट में कटौती की थी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने बीते सप्ताह की गई समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन आरबीआई ने महंगाई को लेकर चिंता जरूर जाहिर की है। इसके साथ ही आरबीआई ने महंगाई दर का अनुमान भी बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि होली तक लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में माफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ ने पुलिस को माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खासकर जो बड़े शहर है वहां माफियाओं से लोग परेशान हैं। कमलनाथ ने कहा कि पुलिस को खुली छूट दी गई है कि वो माफियाओं पर नजर रखे और उन पर कार्रवाई करे। माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए जो भी करना है वो किया जाए। प्रदेश में माफिया राज से समाज परेशान हो चुका है। आए दिन माफियाओं की खबरें आती रहती हैं। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश माफिया मुक्त प्रदेश बने। चाहता हूं कि मध्य प्रदेश माफिया मुक्त प्रदेश रहे, और इसमें मैंने पुलिस को निर्देश दिए कि खासकर जो हमारे बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में जो भी माफिया को कंट्रोल करने के लिए, जो उनको कंटेन करने के लिए जो कार्रवाई करनी है ये करें, इस पर कड़ी कार्रवाई करें। पूरी नज़र रखी जाएगी कि समाज, हमारे जो समाज है आज इस माफिया से दुखी है। बहुतों ने मुझे इसकी सूचना विभिन्न शहरों से दी है और यही हमारा लक्ष्य है। किसानों को गेहूं की बोनी होने के बाद अब यूरिया के लिए सोसाइटियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे जिले के किसान नाराज हैं। इसके चलते कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सहकारी समितियों में जाने वाले खाद के ट्रकों के साथ पुलिस जवानों को सुरक्षा के लिए लगाया है। ये व्यवस्था इसीलिए की गई है कि ताकि किसी भी सोसाइटी में खाद वितरण के दौरान विवाद का माहौल नहीं बने। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व रेलवे ट्रैक पॉइंट पर किसानों का आक्रोश देखने को मिला था। किसानों ने माल गोदाम के पास रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था, जिससे पुलिस और प्रशासन को किसानों को समझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कृषि को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने की बातें तो बहुत हो रही हैं, पर इस दिशा में ठोस काम सरकार नहीं कर पा रही। किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलना है। कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और बरसते पानी में खेतों में जीवन यापन करने वाले किसान दिन रात एक करके फसल पैदा करते हैं, लेकिन उनको अपनी फसल बेचने के लिए बाजार फसल का वाजिब दाम नहीं मिलने से किसान निराश हैं
और अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। सागर जिले के रेहली के टमाटर उत्पादक किसानों की हालत भी इस समय खस्ता है। रेहली ब्लॉक के गांव में भारी तादाद में टमाटर का उत्पादन होता है। चनुआ ग्राम के किसान टमाटर की फसल का उत्पादन करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं। चनिया के किसान आधुनिक तरीके से टमाटर का उत्पादन करते हैं, लेकिन सही दाम नहीं मिलने से किसानों की कमर टूट गई है। यहाँ एरिया रैली और गड़ाकुटा दोनों तहसील का लगभग 300 से 350 हेक्टेयर है और उत्पादन यानी 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर इसका उत्पादन है। टमाटर क्या है, पहले किसान जो पुरानी पद्धति से खेती करता था, अब धीरे धीरे किसानों में ड्रिप और मल्चिंग के प्रति ज़्यादा रुझाव हो रहा है, इस कारण उत्पादन बढ़ रहा है हमारे क्षेत्र का। शासन स्तर पर हमने भी पहले प्रयास किए हैं, जो भी पत्राचार संबंधित को जिले को किए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में इस पर हमारे यहाँ चनगुआ में एक टमाटर की यूनिट लगाई जाएगी। सर ये टमाटर तो हम बहुत पहले से बहुत दिन से कर रहे हैं टमाटर की खेती, इसके रेट सही नहीं मिलते हैं, यही समस्या है। अगर यहाँ कोई टमाटर कैचअप फैक्ट्री वगैरह डल जाए उससे हम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, रेट में रेट पेट भी सही मिलेंगे और ज़्यादा इनकम भी होगी। इस इलाके के टमाटर अपनी विशेष क्वालिटी के कारण कई प्रदेशों में पहचान रखते हैं। टमाटर की शानदार क्वालिटी का भरपूर उत्पादन के बाद भी यहाँ के किसान वाजिब दाम नहीं मिलने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि भारी मेहनत एवं भरपूर लागत लगाने के बाद टमाटर का उत्पादन करते हैं, लेकिन बाजार नहीं मिलने के कारण फसल का सही मूल्य नहीं मिलता है। रेहली क्षेत्र में लगभग 350 हेक्टेयर में टमाटर की खेती होती है और प्रति हेक्टेयर 250 क्विंटल टमाटर की पैदावार होती है। रेहली क्षेत्र में टमाटर उत्पाद फैक्ट्री की महती आवश्यकता है। यहाँ के किसान शासन से लंबे समय से क्षेत्र में टमाटरों के उत्पाद की फैक्ट्री लगाने की मांग करते आ रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि रेहली क्षेत्र में बड़ी तादाद में टमाटर का उत्पादन होता है और यहाँ टमाटर उत्पादन की फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार जमीन पर कुछ नहीं कर रही है। मेरे अनुभव की बात है तो चनगुआ में बहुत अच्छा उत्पादन है टमाटर का, और यहाँ का जो पूरा टमाटर है वो झांसी बिकता है यहाँ से, और अच्छे रेट पर बिकता है यहाँ से टमाटर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है कि जैसे जैसे किसान उत्पादन अपना बढ़ाता जा रहा है, थोड़ा सा इसके एरिया में भी जो है वृद्धि हो रही है, तो एक प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पर स्थापित हो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में जो है यहाँ एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो लगाया जाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विकास प्राधिकरण की लैंड पुलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश में कुल 84 परियोजनाएं विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित की जा रही हैं, इनमें से 66 पर 10% से भी कम काम हुआ है। इन सभी में जमीन किसानों को वापस की जाएगी। कैबिनेट ने उद्योगों को रियायती दर पर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब उद्योगों को 1 हेक्टेयर तक जमीन 75% रियायत ई मूल्य पर मिल पाएगी। इसके अलावा उद्योग अपने परिसर में कर्मचारियों के लिए रहवासी क्षेत्र भी विकसित कर सकेंगे। विकास प्राधिकरण के लिए लागू होने वाली लैंड पुलिंग पॉलिसी में कोई भी आपत्ति होने पर प्रकरण की सुनवाई सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब जो लैंड पॉलिसी लैंड पुलिंग एक्ट के माध्यम से इसमें जो पॉइंट्स सामने आए हैं, 20% स्कीम जो अक्वायर होगी वो रोड्स के लिए आरक्षित की जाएगी, 5% पर पार्क्स प्लेग्राउंड और ओपन स्पेसेस, 5% पे जो अन्य जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो स्कूल हो, डिस्पेंसरी हो, फायर के कुछ वो इक्विपमेंट्स के लिए हो, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो, और फिर 20% जो रह जाएगा उसमें 20% में जो अथॉरिटी है वो वहाँ पर या तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, EWS और अन्य प्रकार के हाउसिंग के लिए या कमर्शियल के लिए वो जमीन यूज़ कर सकेगी। शेष जो 50% रहेगा वो पूरा प्लॉट्स के माध्यम से जिनकी जमीन है उनको दिया जाएगा, जबकि पहले सिर्फ ये 20% था। राघवगढ़ की नारायणपुर शक्कर मिल में किसानों को गन्ने का मूल्य चुकाने के लिए सरकार ने लोन देना मंजूर किया है। मुख्यमंत्री बागवानी खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में 100 करोड़ रुपए के निवेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भोपाल के कोयफीजा में वाटर स्पोर्ट नोड बनाया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय को 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन कलेक्टर गाइडलाइन पर देने का निर्णय लिया गया है। इंदौर के नरोरा श्री सत्य साई अस्पताल को 10 एकड़ जमीन बच्चों के हृदय रोग का अस्पताल खोलने के लिए निःशुल्क देने का फैसला लिया गया है।
अतिथि विद्वानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। इसके तहत किसी भी अतिथि विद्वान को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। कैबिनेट ने वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 से बढ़ाकर 33 साल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी अब अन्य कर्मचारियों की तरह 60 की जगह 62 साल में सेवानिवृत्त होंगे। मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी को लेकर प्रदेश का किसान परेशान हो रहा है। यूरिया की कमी को लेकर कृषि मंत्री सचिन यादव ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की और किसानों की यूरिया की मांग पुरजोर तरीके से रखी। यादव ने गौड़ा को बताया कि इस वर्ष एमपी में गेहूं का रकबा बढ़ा है, इसलिए यूरिया की मांग बढ़ी है तो मात्रा भी बढ़ाई जाए। सचिन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से चर्चा की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यूरिया की कमी नहीं होने दी जाएगी, जितनी भी प्रदेश की मांग होगी उसे पूरा किया जाएगा। उम्मीद है कि 2,00,000 मैट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को अतिरिक्त दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री आदरणीय सदानंद गौड़ा जी से चर्चा करी और यूरिया को लेकर के जो कमी देखी गई थी उस पर उनकी चर्चा हुई और आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त करा कि जो कमी पहले रही और भविष्य में किसी प्रकार की मध्यप्रदेश में यूरिया की कमी जो है आने नहीं दी जाएगी। करेरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नए अमोला सब रेंज प्रभारी मोहन स्वरूप गुप्ता पर अवैध खनन माफियाओं ने कार से रोककर हमला किया। उन्हें गंभीर रूप से घायल अवस्था में शिवपुरी रेफर किया गया है। अमोला सब रेंज प्रभारी मोहन स्वरूप गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग करमई के जंगल से अवैध पत्थर का परिवहन कर रहे हैं। इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए मोहन स्वरूप गुप्ता अपने दल बल के साथ पहुंचे, लेकिन जब तक खनन माफिया अपने ट्रैक्टरों से सारे पत्थरों को भरकर ले जा चुके थे और नावली गांव की तरफ उनके ट्रैक्टर दौड़ रहे थे। ट्रैक्टर का पीछा वन विभाग की टीम कर रही थी। ट्रैक्टर चालक ने अन्य खनन माफियाओं को इसकी सूचना दी, जिस पर खनन माफियाओं ने कार से वन विभाग की गाड़ी का रास्ता रोककर चालक पर 315 बोर का देसी कट्टा तान दिया। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। वन विभाग के वाहन को भी माफिया के लोगों ने क्षतिग्रस्त किया। जैसे तैसे वन विभाग के कर्मचारी अपने घायल डिप्टी रेंजर व अन्य कर्मचारियों की जान बचाकर भागे और घायल अवस्था में डिप्टी रेंजर और अन्य कर्मचारियों को शिवपुरी चिकित्सालय में फिर भर्ती कराया गया। वीरेंद्र गोयल को दूसरी बार सिंगरौली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। सिंगरौली में गोयल का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद लंबे काफिले के साथ सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, चितरंगी विधायक अमर सिंह देव दर्शन के लिए पहुंचे। गोयल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ मोरवा में बैठन तक जुलूस निकाला। जुलूस बीजेपी कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हुआ। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व सहित सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा जिलाध्यक्ष बनना कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 15 साल में सत्ता चलाई थी और जो जो इस आम जनता के लिए उसने योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं को इस कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया और यह कांग्रेस सरकार किस तरह से माने उसके लिए हम लोग सड़क पर उतर करके समय समय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से हम लोग कार्य करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व जो भी कार्य सौंपेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली इस मध्य प्रदेश में ही नहीं, मैं समझता हूँ हमारा प्रयास होगा कि जैसा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं का सहयोग लेते हुए कि देश में भी अपना एक स्थान इस जिले सिंगरौली का मैं स्थापित कर सकूँ। लालघाटी चौराहे पर नागरिकता बिल पास होने पर तिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़कर एवं मिठाई बांटकर सिंधु सेना ने अपनी खुशी का इजहार किया। सिंधु सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर राकेश कुकराजिया ने कहा कि ये नागरिकता बिल मील का पत्थर साबित होगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलने का रास्ता इसके जरिए खुल गया है। 70 वर्षों से विस्थापन का दर्द सह रहे हिंदू एवं वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले, अपहरण, अत्याचार से लोगों को अब निजात मिल पाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हमने यहाँ पर आभार
आभार व्यक्त किया। नागरिकता संशोधन बिल जो उन्होंने पास करवाया लोकसभा से, आज राज्यसभा से भी पारित होने वाला है, उसको लेकर हमने यहाँ पर सिंधी समाज के माध्यम से यहाँ तिरंगे का बैलून गुब्बारे हवा में छोड़कर माननीय अमित शाह मोदी जी का और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद ज्ञापन किया। सिंधु सेना ने कहा कि दूसरे देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलने के साथ ही वोट देने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अब मिल सकेगा। इस अवसर पर सुमित आहूजा ने कहा कि पाकिस्तान में सालों से परेशान रह रहे हिंदू हैं वे, और वे भी इस बिल के आने के बाद भारत में नागरिकता आसानी से मिल सकेगी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। हम इस बिल को पास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।